अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों को हमारे चैनल अफानिक ट्रस्ट। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, होंगे अच्छे मूड भी होंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया और आप लोग की वीडियो लेकर आया। सही वीडियो किसी ने भेजी है, अगोरी अगोरी बाबा। ये क्या है ये अगोरी बाबा? अगोरियों के, ये अगोरी क्या होता है? अगोरियों के सीक्रेट्स सतगुरु। सतगुरु, अच्छा अगोरिया कौन, ये अगोरिया कौन लोग? खैर ये वीडियो में ये कमेंट में आप लोग बताएगा, मैं बाकी वीडियो को देखेंगे क्या सीन है। और करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो सतगुरु की वीडियो है ये, सामाजिक रूप से स्वीकार्य मार्ग नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग जो चीजें करते हैं वो आपकी किसी भी कल्पना से एकदम परे है। लोग अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं कई अलग अलग चीजें करने के लिए। अगोरी मार्ग पर आपको सबसे घिनौनी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप वाकई मुर्दे को जिंदा होते और उस तरह की चीजें देखना चाहते हैं तो यही वो लोग हैं। ताजा शव में कुछ संभावनाएं होती हैं तो कुछ प्रणालियां उसका इस्तेमाल करती हैं। अगर आप उसका विज्ञान नहीं जानते, आप बस ये नहीं सोच सकते कि ये सब अजीब है। हाँ, ये कुछ करने का एक चरम तरीका है, ये हर किसी के लिए नहीं है। अघोरी मेरे ख्याल से एक जिलो की जो कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये उस तरह का। अघोरी का मतलब है घोर, मतलब भयानक। अघोरी का मतलब है जो भयानक से परे हो। तो क्या कोई अघोरी मार्ग है? निश्चित रूप से है। यह भी बहुत सक्रिय आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लोग अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं कई अलग अलग चीजें करने के लिए। A recently dead body has certain possibilities. ताजा शव में कुछ संभावनाएं होती हैं तो कुछ प्रणालियां उसका इस्तेमाल करती हैं। तो वो ये करते हैं कि मर चुके शरीर में अभी प्राण बाकी होता है तो वो वहां बैठे होते हैं। अगर आप मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जाएं, वहाँ अघोरी बैठे देखते रहते हैं। जो कोई भी वहाँ आता है वो उससे पूछते हैं इस आदमी की उम्र कितनी है, वो कैसे मरा। इसलिए कुछ लोग जो नहीं चाहते कि ये पता चले, वो प्लास्टिक की शीट से उन्हें ढक देते हैं ताकि लोग उसे देख न सकें। उस आदमी की उम्र कितनी है वो नहीं बताएंगे, लेकिन अघोरी जानना चाहते हैं। अगर वो एक युवक है जो एक प्रचुर जीवन था और वो किसी वजह से मर गया, वो उस तरह का शव चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो वो वहाँ काम करना चाहते हैं, वो उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहते हैं जो निकलती है। जब शरीर जलने लगता है तो इस प्राण को तुरंत बाहर निकलना होता है। जब वो बाहर निकलता है वो उस जीवन ऊर्जा का लाभ उठाकर अपने साथ कुछ करना चाहते हैं। अगर आप उसका विज्ञान नहीं जानते, आप बस ये नहीं सोच सकते कि ये सब अजीब है। हाँ, ये कुछ करने का एक चरम तरीका है, ये हर किसी के लिए नहीं है। कोई ऐसा रास्ता क्यों चुनेगा? क्योंकि वो जीवन को अच्छे और बुरे की तरह नहीं देखते, वो बस जीवन को परम प्रकृति की ओर एक संभावना के रूप में देखते हैं। वो कैसे की परवाह नहीं करते, वो परवाह नहीं करते कि वो वहां कैसे पहुंचेंगे। अघोर कभी भी सामाजिक रूप से स्वीकार्य मार्ग नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग जो चीजें करते हैं वो आपकी किसी भी कल्पना से एकदम परे है। ये लोग होते हैं अघोरी में, फिर वो तमाम तरह की चीजें करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, अगर आप वाकई मुर्दे को जिंदा होते और उस तरह की चीजें देखना चाहते हैं तो यही वो लोग हैं। देखो मैं वो मुर्दों को जिंदा कर रहा हूं, ये बहुत, मैं कहूंगा कि क्रूड टेक्नोलॉजी, अपरिपक्व तकनीक है। अगर आप एक तकनीक के तौर पर आध्यात्मिकता की सभी प्रणालियों को देखना चाहते हैं तो ये बहुत अपरिपक्व तकनीक है, लेकिन फिर भी एक तकनीक है, ये काम करती है। देखा होगा मूवीज मूवीज में। देखिए, अब अगर आप पानी खोजना चाहते हैं, आप खाली हाथों से कुआं खोद सकते हैं या आप सब्बल और फावड़े से खोद सकते हैं या किसी और तरह के और बढ़िया बर्मों का इस्तेमाल करके खुदाई कर सकते हैं या आप एक ड्रिलिंग मशीन से खुदाई कर सकते हैं
आज आप वास्तव में उसे लेजर से कर सकते हैं। ये महंगा है इसलिए कोई नहीं करता, वरना आप लेजर से कुआं खोद सकते हैं। वही कुआं, वही पानी, लेकिन आपका तरीका अलग है। तो अगर आप खाली हाथ से उसे करते हैं तो जब तक आप पानी पिएंगे आपके हाथों में कोई नाखून या त्वचा नहीं बचेगी। लेकिन आपको परवाह नहीं है क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी है। आपको बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए मतलब किसी भी सूरत। और ये बहुत लंबी प्रक्रिया भी होने वाली है। Still you don't care. You don't want to look anywhere except where the water is. You just want to go. लेकिन फिर भी आपको परवाह नहीं है। आप कहीं नहीं देखना चाहते सिवाय इसके कि जहाँ पानी है आप बस वहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हाँ, लेकिन उस तरह की चीज में समस्या ये है कि जब तक आप पानी तक पहुँचेंगे शायद आपके हाथ घिस के खत्म हो जाएं। लोग पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुँचे। लोगों ने खाली हाथों से कुएं खोदे हैं और पानी निकाला है। लेकिन अगर आपके पास उतने मजबूत हाथ नहीं हैं तो जब तक आप पानी तक पहुँचेंगे वो हड्डियों तक घिस जाएंगे और आपकी त्वचा उतरने के बाद शायद आपके पास और खोदने की ताकत ना बचे। तो वो ऐसे मार्ग हैं जिन पर अगर हजार लोग गंभीरता से चलें तो शायद कोई एक सफल हो, बाकी खो जाएंगे। इन मार्गों को आम तौर पर आध्यात्मिक आयाम से अधिक तंत्र शक्तियां पाने के लिए अपनाया जाता है, इसीलिए वो उस मार्ग पर जाते हैं। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में भी ये एक संभावना है, लेकिन ज्यादातर लोग शायद वहां तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों में उस तरह की लगन नहीं होती, न उनमें उतना साहस होता है, ना ही वो घिन को संभालने में सक्षम होते हैं। क्योंकि अघोरी मार्ग पर आपको सबसे घिनौनी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसे लोग वो चीजें करते हैं जो कुछ शक्तियां हासिल करना चाहते हैं, जीवन पर हावी होना चाहते हैं, दूसरे लोगों पर हावी होना चाहते हैं। उस संदर्भ में हाँ, ये सक्रिय और असरदार मार्ग रहा है। ये कुछ लोगों के लिए एक सक्रिय और असरदार आध्यात्मिक प्रक्रिया भी रहा है। मुश्किल हिंदी बोल रहा है यार। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे लोग इस तरह के मार्गों पर टूट जाएंगे, वो बस टूट जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग तरह का होना होता है। वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप जिस चीज से नफरत करते हैं वो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को पसंद करते हैं और किसी चीज को नापसंद करते हैं, आपने अस्तित्व को बांट दिया है। और जब आपने अस्तित्व को बांट दिया है तो आप उसे गले नहीं लगा सकते। तो वो कर रहे हैं जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। जो आपके लिए सबसे घिनौना है उसी को वो दोस्त बनाएंगे, क्योंकि वो इसे दूर करना चाहते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। उनके लिए सब बराबर है। ये ब्रह्मांड को गले लगाने का एक तरीका है। ये फिल्मों में हमने देखा हो, ये मंदिरों की साइडों पे बैठे होते हैं। ओके, सो ये थी वीडियो। अच्छा, तो फर्स्ट अगर देखा जाए, मैं बोलूँ कि ये इनके हिंदू धर्म में ये लोग होते होंगे या नहीं होते। ये पहले तो ये एक वीडियो जो थी, वीडियो इतनी समझ नहीं आई क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हिंदी बोल रहे थे। फिर अघोरी बाबा जो ये लोग थे, जो मतलब इतना हमें समझ आ गया कि क्या ये अघोरी बाबा ये होते कौन है, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये पता चल गया। थोड़ा बहुत ये समझ आ गया कि ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि हम लोगों ने तो, क्योंकि हम इंडिया का ही नहीं है, फिल्मों में हम लोगों ने देखे हैं बहुत ज्यादा देखे। वहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं जो कि इस तरह के बड़े बड़े लंबे बाल होते है और मतलब खुद को किसी कलर से मतलब डांका वो होता है ना। तो अब ये लोग काम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया कि ये लोग देखते हैं अगर कोई जवान कोई मरा हुआ हो तो उसका पूछते हैं, फिर अपना काम करते हैं। अच्छा, अगर अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए और हमारे रिलीजन के मुताबिक अगर देखा जाए, जो बंदा जिसकी डेथ हो गई वो फिर कभी भी उठ नहीं सकता। ये हमें लाइक हमें ये हम लोगों का इसका बिल्कुल बिलीफ है कि बिल्कुल ये हो नहीं सकता। बाकी इसके पीछे क्या कहानी है कि अरे बाबा ये वाकई में इस तरह हुए हैं,
नहीं हुए है या इनका बस ये फ्रॉड के एक तरह के अकीदा भी हो सकता है, मतलब इस तरह मतलब इनका बिलीफ हो सकता है, बिलीफ हो सकता है। तो ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी थोड़े से अगर थोड़े से समरी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दे इसके बारे में, आसान लफ्जों में बता दे, तो इट विल help us a lot कि हम जाने इनके बारे में नॉलेज के तरह। बाकी ये लोग हम लोगों ने बिल्कुल मूवीज वगैरह में हम लोगों ने देखे हुए हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं इनके, कपड़े वगैरह इन्होंने जो पहना नहीं होता है, सिर्फ प्राइवेट पार्ट वगैरह जो है छुपाए हुए होते हैं, जो कि उधरी मुझे नहीं लगता कि ये इनके हिंदू रिलीजन में लोग होंगे, बस अपने आप के शायद हो भी सकता है, शायद ही भी हो सकता है, ये लोग जो अपने बिलीफ वगैरह और रखते हैं। तो क्योंकि आप इन लोगों ने सदगुरु ने भी ये कहा कि ये लोग जो हम पसंद करते हैं ये उसको ना पसंद करते हैं, जो हम ना पसंद करते हैं ये उसको पसंद करते हैं, क्योंकि हमसे बहुत अजीब, मतलब ये हमारे अपोजिट ही काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं हम इंसानों से बहुत अजीब दिखते हैं। तो ये आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना, थोड़ा सा समरी बयान करके थोड़ा इजी वर्डिंग में। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज स्मैश द फॉलो बटन, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, लाइक करें, हम तक जाएंगे सफा मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।